क्लास 8 हिंदी टेक्स्ट चैप्टर 8 छाया का सौदा कहानी, जिसके लेखक संकलित जी हैं। उन्होंने इस कहानी के माध्यम से यह बताया है कि कई बार व्यक्ति अपना लालच, लोभ या फिर कंजूसी के कारण लाभ के बदले अच्छा खासा हानि कर बैठता है और इसके साथ वह अपमान भी झेलता है। इस कहानी में ऐसे ही लालची व कंजूस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, जो थोड़े से रुपये के लालच में किस तरह से अपना भारी नुकसान कर लेता है। किसी शहर में एक बहुत कंजूस व्यक्ति रहता था, उसका नाम पोपटलाल। एक दिन पोपटलाल अपने घर के आगे बगीचे की साफ सफाई में जुटा हुआ था। उसी समय एक राहगीर उधर से गुजरा। आसमान में सूरज तेज चमक रहा था, इसलिए गर्मी बहुत अधिक थी। राहगीर चलते चलते बहुत थक गया था और गर्मी ने भी उसे बेहाल कर दिया था, इसलिए उसने कुछ देर विश्राम करने की सोची। यह सोचकर उसने सड़क पर खड़ा होकर आसपास नज़र दौड़ाई, तभी उसकी दृष्टि बगीचे में खड़े एक घने वृक्ष की ओर गई, जिसकी छाया सड़क तक फैली हुई थी। वह राहगीर सड़क के किनारे पेड़ की छाया में बैठ गया। एक शहर में कंजूस व्यक्ति रहता था, जिसका नाम पोपटलाल था। वह एक दिन अपना घर का साफ सफाई में बगीचा का साफ सफाई में जुटा हुआ था। उसी समय एक राहगीर वहाँ से गुजरता है, जिसको गर्मी बेहाल कर देता है। तो वह ठंडी छाया में बैठना चाहता था, तो उसका नज़र बगीचे के खड़े एक घने वृक्ष की ओर पड़ती है, जिसका छाया सड़क तक फैला रहता है। राहगीर सड़क के किनारे छाया में बैठ जाता है। अभी उसे वहाँ बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि पोपटलाल की दृष्टि उस पर पड़ गई। पोपटलाल उसे देखते ही आग बबूला हो गया और उसकी ओर चिल्लाते हुए बोला, अरे तेरी यह मजाल की मेरे पेड़ की छाया में बैठे, तुरंत उठ जान, कहीं और जाकर बैठ। उसकी आवाज़ सुनकर राहगीर ने पलटकर देखा और बोला, जनाब यह एक सार्वजनिक स्थान है, सरकारी सड़क है, भला यहाँ बैठने में किसका क्या जाता है, यहाँ तो कोई भी बैठ सकता है, चाहे तो मेरी बगल में आप भी बैठ जाइए। यह सुनकर पोपटलाल का क्रोध और अधिक भड़क उठा। वह बोला, मुझे मत समझाओ, यह मेरा घर है और यह पेड़ भी मेरा है, इसलिए इस पेड़ की छाया भी मेरी हुई, जिसमें तुम बैठे हो। अब तुम तुरंत यहाँ से भागो, वरना मेरा नाम पोपटलाल है। राहगीर पर नज़र पड़ते ही पोपटलाल गुस्से से बेकाबू हो जाता और कहता उसे कि यहाँ से जाओ, कहीं और जाकर बैठो। तभी वह कहता है, राहगीर की यह सार्वजनिक स्थान है, यहाँ पे कोई भी बैठ सकता है, आप चाहो तो आप भी बैठिए। यह सुनकर पोपटलाल का और गुस्सा तेज हो जाता और कहता है, यह घर भी मेरा है, यह पेड़ भी मेरा और इसकी छाया भी मेरी है, तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो मेरा नाम पोपटलाल है। उसका नाम सुनते ही राहगीर सोचने लगा, हूँ तो यह है वह पोपटलाल कंजूस सेठ, जिसके चर्चे पूरे शहर में होते हैं, इसे तो मैं आज सबक सिखाकर ही जाऊंगा, ताकि यह भविष्य में किसी के साथ अभद्र व्यवहार ना करे। यह सोचकर राहगीर तुरंत नर्म पड़ गया और बोला, जनाब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यह पेड़ आपका ही है, किंतु इसकी छाया तो आपके आहते से बाहर है, आप यह छाया मुझे क्यों नहीं बेच देते, मैं आपको 200 रुपये दूंगा। 200 रुपये और वो भी इस पेड़ की छाया के, कोई नीरा गधा लगता है जिसमें बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है। लालची कंजूस पोपटलाल मन ही मन सोचते हुए बोला, ठीक है, 200 रुपये में सौदा तय हुआ, निकालो रुपये। उसका नाम सुनते ही राहगीर सोचने लगता है कि राहगीर समझ जाता है कि ये वही पोपटलाल है जिसका चर्चा पूरे शहर में है। तो वह राहगीर जो है उसको सबक सिखाने के बारे में सोचता है, ताकि वह भविष्य में किसी के साथ अभद्र व्यवहार ना करे। तभी वो राहगीर कहता है कि ये पेड़ आपका है, लेकिन ये छाया आपके हाथे से बाहर है, आप ये छाया मुझे क्यों नहीं बेच देते, मैं आपके इस छाया को 200 रुपये दूंगा।
पोपट लाल को मन ही मन सोचता है कि ये कोई निरा गधा लगता है जिसमें बुद्धि नाम का चीज नहीं है, और वह पैसे के लालच में कहता है कि ठीक है 200 रुपये है, सौदा तय हुआ, निकालो रुपये। वह राहंगीर मुस्कुराते हुए बोला, जनाब यदि आप इस बात का इकरारनामा बना दे तो। क्यों नहीं, इसमें भला मुझे क्या ऐतराज़ होगा, मैं अभी कागज पर लिखकर लाता हूँ, तुम बस रुपये तैयार रखो। यह कहकर पोपट लाल घर के अंदर जाता है और एक कागज़ पर पेड़ की छाया के इकरारनामे को लिखकर ले आता है, फिर उसे राहंगीर को देते हुए कहता है, अब इस पेड़ का छाया तुम्हारी हुई। राहंगीर कहता है कि इस पेड़ के छाया का इकरारनामा लिख कर दे तो मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। इस पर पोपट लाल कहता है कि मुझे क्या ऐतराज़ हो सकता है। वह तुरंत घर जाता है और कागज़ पर पेड़ की छाया का इकरारनामा लिख कर लाता है और उसके हाथ में देता है और कहता है कि आज से इस पेड़ की छाया तुम्हारी हुई। राहंगीर उसे 200 रुपये देकर उस कागज़ को लेकर अपनी जेब में रख लेता है तथा फिर अपने घर की ओर चल पड़ता है। अगले दिन जैसे ही पोपट लाल अपने घर से बाहर निकलता है तो उसने उसी राहंगीर को अपने घर के आगे खड़ा देखा। यह देखकर पोपट लाल ताव में आ गया और उस राहंगीर से बोला, अरे तुम मेरे घर के आगे कैसे पहुंच गए। वह राहंगीर मुस्कुराते हुए बोला, जनाब आपने ध्यान से नहीं देखा, मैं जहाँ खड़ा हूँ आपके वृक्ष की छाया अभी वहीं है, मैं इस छाया का मालिक हूँ, अब यह जहाँ जाएगी मैं वहीं जाऊँगा। पोपट लाल उसकी बात सुनकर सकते में आ गया, उसने माथा पीट लिया किंतु अब क्या कर सकता था। दिन चढ़ने के साथ साथ वृक्ष की छाया पोपट लाल के घर के बरामदे तक पहुँची, वह राहंगीर अब वहीं जाकर लेट गया। दूसरे दिन राहंगीर जो है पोपट लाल के घर के आगे खड़ा हो जाता है। ये देखकर पोपट लाल गुस्से में फिर कहता है कि तुम मेरे घर के आगे क्यों खड़ा हो। तभी उत्तर देता है राहंगीर कि मैं उस पेड़ की छाया के नीचे खड़ा हूँ जिसका मैं मालिक हूँ, अब ये पेड़ की छाया जहाँ जहाँ जाएगी मैं वहाँ जाऊँगा। पोपट लाल ये बात सुनकर माथा पीटता है कि लेकिन वह सोचता अब क्या कर सकता है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है पोपट लाल के जैसे जैसे दिन चढ़ता है वृक्ष की छाया पोपट लाल के घर का बरामदा तक पहुंच जाता है। राहंगीर वहां जाकर लेट जाता है। पोपट लाल समझ गया कि उसने बैठे बिठाए मुसीबत मोल ले ली, अब रोज यही सिलसिला रहता। वह राहंगीर सुबह सुबह भोजन पानी लेकर वहां आ धमकता और शाम ढले लौटता। एक दिन पोपट लाल की बेटी की मंगनी तय हो गई। निश्चित समय पर लड़के वाले तथा मेहमान घर आ पहुँचे। दावत का इंतजाम बगीचे में ही था, अचानक वहाँ राहंगीर भी आ धमका। पोपट लाल का दामाद उसी पेड़ की छाया में आराम से कुर्सी पर बैठा था। वह राहंगीर उसके पास आकर बोला, ए महाशय चुपचाप खड़े हो जाओ और फुटो यहाँ से। यह सुनकर दामाद ताव में आ गया। वह गुस्से से बोला, कौन हो तुम, यह कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। दोनों के बीच हो रही कहा सुनी को देखते ही पोपट लाल उधर आया। उसने जैसे ही राहंगीर को देखा वह उसकी ओर लपका। राहंगीर उसके दामाद से कह रहा था, देखो तुम जहाँ बैठे हो वह मेरी संपत्ति है। पोपट लाल समझ गया था कि वह बैठे बैठे मुसीबत मोल ले लिया, क्योंकि राहंगीर जो है रोज़ सुबह भोजन पानी लेकर उसके पास आ धमकता और शाम को ही लौटता। एक दिन पोपट लाल की बेटी का मंगनी तय होता है और लड़के वाले के खाने पीने का इंतजाम बगीचे में ही होता है। पोपट लाल का दामाद उसी पेड़ की छाया के नीचे बैठता है और तभी राहंगीर उसे देख लेता है और राहंगीर कहता है कि चलो यहाँ से जाओ, फुटो यहाँ से। तो ये बात सुनकर उसका दामाद को गुस्सा आता है, दोनों में कहा सुनी उठने लगता है। पोपट लाल जैसे ही देखता है कि राहंगीर वहाँ है तो वह उसके पास लपक कर जाता है और लपकता है। राहंगीर जो है उसका दामाद से कहता है कि ये मेरा संपत्ति है, जाओ यहाँ से। तुम्हारी संपत्ति, दामाद गुर्राया, हाँ क्योंकि इस घर के मालिक ने उसके कुछ कहने से पहले पोपट लाल उसका मुंह बंद करके खींच कर दूर ले गया और फिर उस राहंगीर को समझाते हुए बोला, देखो भाई मैं अपनी गलती मानता हूँ, तुम मुझे मेरे पेड़ की छाया वापस दे दो और अपने पैसे ले लो।
किंतु राहगीर अड़ गया, बोला, अरे सेठ साफ साफ सुन लो, मुझे अपनी छाया नहीं बेचना, मैं तो उसका आनंद उठाना चाहता हूँ। दामाद और राहगीर में कहा सुनी होता है, वह राहगीर उसे बोलने वाला रहता है कि ये इस घर का मालिक जो है ये छाया मुझे बेच चुका है। इसके बोलने से पहले पोपटलाल आ जाता है और उसे खींच कर दूर ले जाकर कहता है कि हमसे गलती हो गया, तुम मुझे मेरा छाया जो है वापस दे दो। राहगीर जो है इस बात को लेकर अड़ जाता है और कहता है कि हमको अपना छाया नहीं बेचना है, हम उसका आनंद उठाना चाहते हैं। पोपटलाल ने उसे समझाया, उसे इंसानियत का वास्ता दिया, उसे माफ़ी मांगी तो राहगीर कुछ नरम पड़ गया, बोला, ठीक है, यदि तुम इस पेड़ की छाया को वापस लेना चाहते हो तो तुरंत 2000 रुपये निकालो। पोपटलाल ने मजबूरी बस उसे तुरंत 2000 रुपये थमा दिए। राहगीर भी सौदे का कागज उसे देकर तथा पूरे 2000 रुपये अपनी जेब में डालकर मुस्कुराता हुआ वहाँ से चलता बना। पोपटलाल माथा पीटता रह गया, उसे अपनी कंजूसी और लालच का सही सबक मिल गया। पोपटलाल के बहुत समझाने और गिड़गिड़ाने पर राहगीर कुछ नरम पड़ जाता और कहता है, ठीक है, मैं इस पेड़ की छाया को बेचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके 2000 रुपये निकालो। पोपटलाल मजबूरी बस 2000 रुपये थमा देता है उसके हाथ में। राहगीर सौदे का कागज पोपटलाल के हाथ में राहगीर सौदे का कागज उसे देकर पूरे 2000 रुपये अपनी जेब में डालकर मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है। और पोपटलाल जो है माथा पिटता रह जाता है। इस तरह से उसे अपना कंजूसी और लालच का सही सबक मिल जाता है।